हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ फतेहपुर अपनी दवा कराने, जो कि मुझे अपनी नाक में प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं और भैया जा रहे थे बस से, ये दिख रहा है भैया, और बेटू और उनके पापा घर में हैं। और मैं और भैया सुबह जाना था, शाम को दवा करा के चले आना था, पर हमें बस नहीं मिली तो हमें रुकना पड़ा वहाँ पे। तो रास्ते में सब हरियाली दिख रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसको भी शूट कर लेती हूँ। मैं आ गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, सुबह आ गई थी, डॉक्टर को दिखाना था मुझे, तो ये इसे तो मिल ही लिए होंगे। ये हैं अदिति दीक्षित, डॉक्टर आई जी। और अब मिलाती हूँ मैं आपको परी से। हेलो, मेरा नाम परी है, मैं पापा की परी हूँ। मैं परपराती रहती हूँ दिन भर। पता है आज जो चली जगह सुनो तो जीजा के कह रहे थे नो ही परी जी नहीं हो का नाम लिया जाएगा। छोटी जी गोलू मोलू जी परी छे परी इधर देखो, परी यहाँ देखो, परी यहाँ देखो, ए परी 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 ए परी पड़ी 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 रहती दिन भर पड़ी 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 सामने देखो बहु मसी कैमरे में हस्ती है आपके घर में नहीं है क्या? आपके टूथपेस्ट में दवा नहीं है? उनके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। चाट गया तुम्हें, तुम लोग ये रोने लगी। बहुत लोग थे, मजा आ रही है। चले गए तो इनको खराब लगने लगा। ये अगर यहाँ रहेंगी तो रोज नानी के घर चले। मैं जा रही हूँ मम्मी नानी के घर। पढ़ाई नानी घर में पढ़ाई होती है, सब टीचर वहाँ रहते हैं। जाओ जल्दी से। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी परी। हट्टू नहीं गाते पगलू। हमारे स्कूल के बच्चे भी तुम्हारा वीडियो देखते हैं। हाँ। सब्सक्राइबर्स वो भी हैं। हाँ। और वो फोन पे लगा हुआ है, मतलब लैपटॉप में, और इन्होंने नया फोन लिया हुआ है तो इन्हें उसका चस्का लगा हुआ है। चपासी लग रहा है, अंत तक ये प्यून लग रहा है। पहले भी प्यून था, अब भी प्यून। तो इनको देखिए जो ताई बन के घूमती है आंगनबाड़ी में, जो इनको किनारे रखा है। चलो इनको इनको दो 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 किलो चीनी दो। ये इन्होंने अभी अपनी आईब्रो सेट करवाई है तो वो फिलअप कर रही है। ये वो है वो सुबह सुबह बच्चे लिखते और मैंने बच्चे को टांग रखा है, रुपया करके खूब सारे पैसों में से मुझे थोड़ा सा मेरा सैलरी दे दे। दीदी बच्चा भूखा बच्चा तो मेरा टांग ये दांत में लिपस्टिक को बाल भी रेडी हवाई से आप बाल दिखाई। बहुआ के बाल जो है बिल्कुल वैसे हो गए जैसे वो पंडा बाबा नाइजीरियन बिल्कुल वैसे ही हो गए। और नीचे इनका गेटअप देख, इन्होंने अपने हस्बैंड की नेकर नेकर नहीं वो पजामा बिल्कुल प्रॉपर वो वाला वाला कुर्ता वाला ओ माय गॉड इधर दे रहा है। अब हम अंदर जाएंगे। ओ खुल जाओ तो मेरा होता है यहां पे। चलिए घर के अंदर नहीं आ पाता है वो। चप्पल अपन हटा देना। पापा देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति।
और मम्मी मुझे लगा ही था कि सब्जी महक रही है, तो मम्मी ने सब्जी चढ़ा दी है। और नातिन को खिला रही है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी बिग बॉस देख रही है। मैं मम्मी के यहाँ से कल आ गई थी सुबह 10 बजे, और जब मैं गेट के अंदर घुसी तो गेट से ही गंदगी स्टार्ट थी। बाहर से लेके अंदर तक पूरा गंदा पड़ा हुआ था। इन बाप बेटी ने खाना बनाकर खा लिया था, पनीर की सब्जी, और सफाई कहीं भी नहीं की थी। बर्तन धुले, किचन में गई तो किचन फैला पड़ा था पूरा। फिर जल्दी जल्दी मैंने हाथ मुंह धोया और किचन समेटा, और मैं दवा लेने गई थी अपने नाक की, तो दवा मैं ले आई हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। और आने के बाद वही समेटने लगी, काम वाम सब करने लगी, तो वीडियो जो कुछ बनाया नहीं मैंने। और फिर चली गई थी मार्केट, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू थी तो पूजा का सामान वगैरह सब लेना था, वही सब लेने चली गई थी। और फिर आज है नवरात्र का पहले दिन, शुरू हो चुकी है नवरात्र, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आप सबके घरों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, है ना बेटू। और कल हमारी आने वाली है, क्या बेटू आने वाली है हमारी, कार ब्रेजा। ब्रेजा, हाँ वही ब्रेजा। तो कल हमारी गाड़ी आ जाएगी, कल लेने जाना है। 11 बजे बुलाया है एजेंसी में, फॉर्मेलिटीज सारी हो चुकी है, बस खाली हमें साइन करना है और गाड़ी उठानी है। तो कल हम लोग 11 बजे जाएंगे गाड़ी लेने। बेटू वही है तो शायद स्कूल जाएंगे, वो स्कूल में रहेंगे जब गाड़ी हम लेने जाएंगे। हाँ तो 11 बजे जाना है, थोड़ी देर से। तो कल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी गाड़ी, हमारी पहली गाड़ी है, है ना बेटू। हाँ हमारी पहली गाड़ी, हाँ मेहनत की कमाई की। तो मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में, जो कल का ब्लॉग होगा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, हमारे लिए तो है ही है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि गाड़ी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है यार। सोचा नहीं था कभी कि खुद की गाड़ी लेंगे, लेकिन फाइनली यार कल वो दिन आ जाएगा जब हम अपनी गाड़ी ले लेंगे। और भैया और उनके पापा दोनों रोज़ की तरह शाम को घूमने निकल गए हैं, अब वो आएंगे 1-2 घंटे के बाद, 8-9 बजे, और आते ही घर में सफाइयां देने लगेंगे कि वो यहाँ जाम लगा हुआ था, वहाँ जाम लगा हुआ जैसे था। कल दे रहे थे कि कल वहाँ पहुँच ही गए थे घर, लेकिन वहाँ पे 1-2 घंटे आधा घंटा जाम में निकल गया। वो देवी जी का पंडाल लगे हुए हैं, तो भीड़ थी, ये वो दुनिया भर का वो दे देंगे, बहाने बता देंगे हमको। तो मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि once again.